कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई राज्यों में हुई तनाव की घटनाओं को लेकर अब बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों पर काउंटर अटैक की तैयारी में है। जहां पार्टी मुख्यालय में 9 मई को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के कार्यक्रम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी इस दिन एक संदेश जारी कर बीजेपी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी जहां पर कमजोर होती है वहां तनाव पैदा कर राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो तनाव भी खत्म हो जाता है, जैसा कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ। तो सोनिया गांधी बीजेपी पर काउंटर अटैक करेंगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, तो 9 मई को कार्य समिति की यह बैठक होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, देखिए सोनिया गांधी बीजेपी पर काउंटर अटैक की तैयारी में है और सीडब्ल्यूसी की वो बैठक भी बुलाई है, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में तनाव की घटनाओं को लेकर सामने आ रही है, उसे लेकर देखिए जैसे राजस्थान में इन दिनों तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बीजेपी और जो बीजेपी के सहयोगी संगठन है काउंटर अटैक जो है वो पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी की तरफ से भी, और उसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी अब काउंटर अटैक की तैयारी कर ली है कांग्रेस ने भी। और कांग्रेस पार्टी ने AICC ने 9 मई को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई है और देखिए बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में जो चिंतन शिविर होने वाला है आधिकारिक रूप से जो मोहर लगाई इसमें मोहर लगाई जाएगी। लेकिन सोनिया गांधी इन दिनों एक देखिए एक संदेश भी जारी कर बीजेपी पर एक बड़ा हमला भी उन्होंने किया था अभी संदेश जारी करते हुए। देखिए पूरी प्लानिंग जो है कांग्रेस की तरफ से तैयार की जाएगी कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक में, और जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए तनाव पैदा करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी राजस्थान के अंदर, तो देखिए बहुत ही बड़ा सवाल एक तरफ जहां राजस्थान में सरकार के ऊपर उठाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और वहीं जिस तरीके से भी हाल ही में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं कांग्रेस के उसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी जो बयान आया है बीजेपी जहां पर कमजोर होती है वहां पर तनाव पैदा कर राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो तनाव भी खत्म हो जाता है, जैसे कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ और वैसा ही अब वो राजस्थान में करना चाहती है। राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम का मदद लेकर और पूरी हिंदू मुस्लिम का जो हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है वो उसके जरिए राजस्थान में भी तनाव स्थिति पैदा करना चाहती है। और देखिए बीजेपी ने भी पूरे हमले की तैयारी कर ली है आयुषी, ये पूरा एक जो है चल रहा है राजस्थान के अंदर उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है उसके बाद से कांग्रेस आला कमान इस तैयारी में है कि बीजेपी और जो बीजेपी के संगठन है देश के अलग अलग राज्यों की जो घटनाएं हैं उन्हें लेकर टारगेट किया जा रहा है। इसलिए सोनिया गांधी अब खुद सामने आकर ये मोर्चा संभालने की तैयारी में है और 3 राज्यों पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान के मामले में गहलोत और उनकी सरकार पर टारगेट कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि पूरा मामला जो है वो राजस्थान केंद्रित है, इसीलिए देश बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही है देश के उसके लिए बीजेपी को घेरा जाए। कांग्रेस महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका में बीजेपी को घेरना चाहती है और उसके साथ ही देखिए उदयपुर में 13 मई से लेकर 15 मई तक जो चिंतन शिविर चलने वाला है उसके ऊपर ये मोहर लगाई जाएगी सीडब्ल्यूसी की बैठक में। इसके साथ ही तमाम मुद्दे हैं चिंतन शिविर के अलावा भी कि किस तरीके को देश में बीजेपी को घेरा जाए। और देखिए अगले साल चुनाव भी है हिमाचल प्रदेश और इस साल चुनाव है हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, और वहीं अगले साल की बात करें तो MP राजस्थान में भी चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से टारगेट किया जाए और तमाम मुद्दों को लेकर सीडब्ल्यूसी में चर्चा होने वाली है आयुषी। जी जी ज्योति, देखिए 13 से 15 मई में उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, तो कोई ठोस रणनीति इसमें तैयार की जाएगी?
बिल्कुल देखिए, चिंतन शिविर की बात करें तो 3 दिन का ये चिंतन शिविर होने वाला है। और देखिए, इसमें अगर हम नेताओं की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ इसमें करीब 400 से ज्यादा नेता इसमें हिस्सा लेंगे। और सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के दौरान देखिए राजनीतिक और संगठनात्मक महत्व किस तरीके से दिया जाए, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। और देखिए, इसके लिए आयोजित 6 पैनल भी बनाए गए हैं जिसमें से अलग अलग पैनल को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे किसानों का एक अलग पैनल बनाया गया, युवाओं का अलग बनाया गया है, इकोनॉमी का अलग बनाया गया, पॉलिटिकल का भी एक अलग बनाया गया है। देखिए, कई मुद्दे हैं जो चिंतन शिविर में कांग्रेस चर्चा करेगी, कांग्रेस के नेता चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी कई तरीके के सवाल जो है कांग्रेस के अंदर से ही उठते आए हैं। आंतरिक मुद्दों पर भी बात हो सकती है। आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, इस पर चर्चा होगी। और वही संगठन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उसको लेकर भी विचार होगा। जी शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।